बस कुछ ही देर में आपके साथ जो लाइव का आज सेशन है वो शुरू करते हैं। कुछ एक साथी और जुड़ जाएं हमारे साथ, उसके बाद हम ये आज का जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खासकर हमने फेसबुक लाइव का सेशन रखा है उसके बारे में आपसे चर्चा शुरू करते हैं। तो जो साथी बने हुए हैं कृपया भाई बने रहें, और भी हमारे जो साथी हैं उन्हें भी हमारे इस लाइव सेशन। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था तो उस वजह से बीच में दिक्कत आ गई। आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। इस कोरोना आपातकाल में जिस प्रकार से हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, और लगभग 2.5-3 महीने से आप सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन व अनलॉकडाउन की गाइडलाइंस जो सरकार ने जारी करी हैं, आप सभी उनका पालन कर रहे हैं। और मैं माता रानी से, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और भी सरकार की तरफ से जो भी इस महामारी के समय जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उन सभी का पालन करते हुए अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज जो फेसबुक लाइव का मुद्दा है जिसके बारे में आज हम आपसे रूबरू हुए हैं, वो मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर पिछले 1 महीने से जो एक छात्रों का मुद्दा है वो बड़ा ही जो है आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले 1 महीने से NSUI ने इस पर, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात हो, चाहे हाईकोर्ट में जाकर छात्रों को न्याय दिलवाने की बात हो, NSUI हरियाणा ने भरपूर प्रयास किया है कि हरियाणा के किसी भी छात्र के साथ किसी भी तरीके का अन्याय ना हो। और जिस प्रकार से सरकार ने गलत गाइडलाइंस जारी करी, पर माननीय उच्च न्यायालय के दबाव के कारण हमने हर बार सरकार को जो है विपक्ष का जो काम होता है सरकार को आईना दिखाने का, तो विपक्षी पार्टी के छात्र संगठन होने के नाते समय समय पर हमने सरकार को आईना दिखाने का काम किया, और जिसके फलस्वरूप आज हरियाणा के कई लाख विद्यार्थी जो है बिना परीक्षा के उस सेमेस्टर में और अगली कक्षा में जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं आज वो प्रमोट हो चुके हैं। पर दोस्तों, अभी भी काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं, काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो अभी भी जो है जिनके सिर पर अभी भी इस कोरोना महामारी का खतरा जो है मंडरा रहा है। उसमें जो सबसे पहले अग्रणी श्रेणी में जो विद्यार्थी आते हैं वो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की गाइडलाइंस जारी हुई हैं उन गाइडलाइंस के अंडर हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज आती हैं। हरियाणा में अगर हम बात करें तो प्राइवेट, गवर्नमेंट, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलाकर लगभग 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हरियाणा के अंदर हैं। उन सभी यूनिवर्सिटीज को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की गाइडलाइंस को मानना पड़ता है। परंतु जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास काफी, आप में से शायद कई लोग लाइव भी जुड़े हैं, आप में से काफी लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक मैसेंजर पे, नॉर्मल कॉलिंग पे आप लगातार मुझे मेडिकल स्टूडेंट्स की आवाज उठाने के लिए जो है कह रहे हैं। तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की गाइडलाइंस आई थी उन गाइडलाइंस के अंदर ये यूनिवर्सिटीज, ये मेडिकल कॉलेज उनके अंडर तो आते हैं, परंतु इनकी जो गवर्निंग बॉडीज है, जैसे अगर हम MBBS की बात करें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर हम डेंटल कोर्सेज की बात करें तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर मैं आयुष स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके लिए CCIM है, इसी तरीके से फार्मेसी का भी थोड़ा सा एक जो ज्यादा सुनने में आया है कि PGI का जो हमारी यूनिवर्सिटी है उन्होंने फार्मेसी का एक पेंच फंसाया हुआ है। उसके अलावा BSc नर्सिंग के काफी जो है स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा ANM, GNM, इस तरीके के फिजियोथेरेपी, इस तरीके के काफी मेडिकल कोर्सेज हैं जो अभी भी छात्र, जिनके जिन कोर्सेज में पढ़ रहे छात्र अभी भी असमंजस में हैं कि उनका क्या होगा।
देखिए, हम आपके साथ बिल्कुल आपकी हर बात पर सहमत हैं। हम ये भी समझते हैं कि हरियाणा के अंदर जो मेडिकल लाइन का स्टूडेंट है वो सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि दूसरी स्टेट से आकर भी हरियाणा में पढ़ रहा है। उसके अलावा अगर मैं हरियाणवी स्टूडेंट्स की भी बात करूं जो मेडिकल लाइन के हैं, तो उनके लिए भी बराबर ही खतरा है जितना बीए, बीकॉम, बीएससी या किसी और प्रोफेशन के छात्र के सिर पे खतरा था। तो दोस्तों, आप में से काफी लोगों के मेरे पास सुझाव भी आए। अब मैं कुछ एक यूनिवर्सिटीज, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर मैं कुछ एक यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा, जैसे मुलाना यूनिवर्सिटी अंबाला। अब मुलाना यूनिवर्सिटी अंबाला में जो अंबाला के कोविड 19 के पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट भी जो मुलाना यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है वो कर रहा है। और अगर मैं पीजीआईएमएस की बात करूं तो रोहतक के हालात आपको पता है। उसके अलावा अगर मैं खानपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सोनीपत के अंदर लगभग सभी केसेस जो है या तो सोनीपत में ट्रीटमेंट हो रहा है या खानपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। उसके अलावा एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांवा है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, अग्रोहा कॉलेज है। तो इस तरीके की जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं इन पर, एक तो ये यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी कोविड 19 के पेशेंट का इलाज चल रहा है, दूसरा सरकार ये कह रही है कि इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम्स की डेट शीट भी कुछ यूनिवर्सिटीज में आउट हो चुकी है। इसलिए आप सभी साथी बड़े चिंतित हैं। एनएसयू हरियाणा आपके साथ इस मुद्दे पर खड़ी है। पर मैं दोस्तों आपके साथ कुछ एक बातें साझी करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि इन कोर्सेज की जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। जैसे अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें तो यूजीसी ने 2019 और 20 का जो बैच है उसके लिए कुछ एडवाइजरी जारी करी थी, कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी, और उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने माननीय उच्च न्यायालय के दबाव के बाद वो सभी नोटिफिकेशन जारी करे। परंतु अभी तक, क्योंकि जितना एक मैंने अभी देखा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, सीसीआईएम या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनमें से किसी भी रेगुलेटरी बॉडी ने अभी तक किसी भी तरीके की जो है गाइडलाइंस नहीं जारी करी है, कोई एडवाइजरी नहीं जारी करी है। और ये जो सेंट्रल बॉडीज हैं, ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, यही हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर जितना भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो उन्हीं की गाइडलाइंस के ऊपर वो लोग एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। अब मुझे कई साथी पूछ रहे थे कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हम हर तरीके से तैयार हैं, जैसा मैंने पहले बताया। पर मैं एक आपके सामने एक टेक्निकल पॉइंट रखना चाहूंगा कि यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी करी थी उन्हीं गाइडलाइंस का हवाला देते हुए एनएसयू हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची थी। पर अब जो कि इन इंस्टीट्यूट्स ने, इन गवर्निंग बॉडीज ने किसी भी तरीके की गाइडलाइंस जारी नहीं करी है, इसलिए मैं काफी एक्सपर्ट्स लोगों से मिला, मैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज के रिटायर्ड वाइस चांसलर से मिला, क्योंकि मैं भी अपने आप को मेडिकल लाइन का एक्सपर्ट नहीं समझता। तो मैंने आप में से कई छात्रों के जिनका मेरे पास संपर्क था उनसे भी बात करी, आपके सीनियर्स जो पास आउट हो चुके हैं उनसे भी मैंने सलाह मशवरा कराया। तो दोस्तों, इसमें से कुछ एक चीजें मेरे सामने निकल के आई हैं, मैं आपके सामने वो भी बात रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सुझाव आपको पहले बताकर, क्योंकि आपका सोचने का दायरा सीमित हो जाए। आप में से कई साथी इसमें कमेंट्स कर रहे हैं तो मैं आपके कमेंट्स के ऊपर जो है अपना रिएक्शन भी दूंगा, और आपके जो सुझाव होंगे वो भी इन कमेंट्स के थ्रू मैं देखना चाहूंगा, और उसके हिसाब से हम आपस में बैठकर कुछ चर्चा करेंगे कि किस हिसाब से हम सरकार के सामने, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो सेंसिटिव प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन स्टूडेंट्स की हम डिमांड गवर्नमेंट के सामने किस तरीके से रख सकते हैं। बिल्कुल वीएलडीए की तरफ भी ध्यान देना। ऋतिक रिंकू जी कह रहे हैं बिल्कुल, वीएलडीए का जो मेरे को नोटिस में आया है कि इनका एडवाइजरी जारी हुई है, मैं उसको भी देख रहा हूं, और उसका भी जो लीगल एंगल है वो भी हम जो है सर्च कर रहे हैं, रीअपीयर पास आउट स्टूडेंट्स का। बिल्कुल इसके बारे में मैं थोड़ा सा लास्ट में बात करूंगा। मयंक यादव जी बोल रहे हैं कि पीजीआई में डेट शीट दे दी है। बिल्कुल मयंक जी, मेरी नज़र जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या डेट शीट जारी हो चुका है, मेरी उन सब पर नज़र है, और मैं इन सब पर जो भी एनएसयू हरियाणा बीइंग ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरा फ़र्ज़ है मैं उसको भली भांति निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो जो डेट शीट जारी हो रही हैं वो बिल्कुल हमारी नॉलेज में है।
एक पीजीआई के अंदर एक इशू और आ रहा था मेरे पास, आज ही थोड़ा टाइम पहले फोन आया किसी का। तो पीजीआई के अंदर एक ये दिक्कत आ रही है कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस है उसका भी बड़ा इशू है, नेक्स्ट ईयर की जो फीस है उनकी, वो ऑफलाइन मोड में जो है उन्होंने बोला है कि बच्चे ऑफलाइन मोड में आकर जो है बाय हैंड जमा करें। तो इसके बारे में भी अगर कंसर्न अथॉरिटी तक मेरी आवाज़ जाती हो तो कम से कम स्टूडेंट्स को फीस भरने के लिए तो ना उनकी जान जो है दांव पर लगाई जाए, इसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर विद्यार्थियों की फीस जो है वो ऑनलाइन तरीके से जो है भरी जाए। बिल्कुल, फार्मेसी का हमारे सामने इशू आया, जैसे मैंने आपके सामने पहले भी बात करी है, फार्मेसी का है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, बिल्कुल हम इन सब के बारे में भी हम आपसे सलाह भी लेंगे, हम अपने भी विचार आपके सामने रखेंगे। एक रोहतक पीजीआईएमएस फार्मेसी का बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बिल्कुल मैंने आपके सामने पहले भी वो बात रखी है। एक काफी स्टूडेंट्स जो हैं, काफी मेडिकल स्टूडेंट्स के जो मेरे पास मैसेजेस भी आए ट्विटर पे भी, काफ़ी लोगों ने रिप्लाई किया, उन लोगों का कईयों का ये सलाह थी कि सर हम समझते हैं हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और जो एक नॉर्मल पास कोर्स होता है उसके अलावा ये जो हैं इनको हम पास कोर्सेज बीए बीकॉम की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें जो है हेल्थ साइंसेज जो है जो वो इन्वॉल्व हैं। तो कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर एटलीस्ट हमारे एग्जाम्स प्रमोट पोस्टपोन करा दिए जाएं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कराया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थोड़े समय के लिए एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं। उसके अलावा जम्मू के अंदर भी जो एक कॉलेज ने, जो मेडिकल कॉलेज है जम्मू के अंदर भी, वहां पर भी एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आज आपसे लाइव जुड़ने का मेरा मोटिव ये था कि मैं आपसे कुछ एक बातें कर सकूं, मेरे मन में जो विचार है मैं आपके सामने रख सकूं। एनएसयू हरियाणा हरियाणा के सभी विद्यार्थियों के साथ है, चाहे वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी की बात हो, मेडिकल स्टूडेंट कम्युनिटी की बात हो, चाहे वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट कम्युनिटी की बात हो, परंतु हम एक जो पढ़ा लिखा छात्र संगठन जिसे मैं कहता हूं कि एनएसयूआई इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स जो है हम इसको लीड कर रहे हैं, और हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने हम कोई ऐसी अनपढ़ों वाली बात ना करें, इसलिए मैं आपसे कुछ एक सलाह मशवरा लेना चाहता था। मैंने जैसे इसके बारे में कुछ एक चीजें जो एक्सपर्ट से मैंने बात करी उसमें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कोर्स ऑफ स्टडी है जो मेडिकल के आर लाइफ साइंसेस प्रैक्टिकल फ्रॉम द कोर ऑफ स्टडीज, ये खाली पास कोर्स नहीं है जैसे बीए या एमए होते हैं, ये जो है ये लाइफ साइंसेस के कोर्स हैं और दीज आर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज रनिंग बाय रेगुलेटरी बॉडीज जैसा कि मैंने बताया। तो मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मेरे को भी सजेशंस दें, मेरे को भी सुझाव दें कि आपका मोड ऑफ प्रमोशन क्या हो, हाउ यू मीट द फाइनल डेफिशिएंसी व्हेन यू टेक फाइनल डिग्री, कि जैसे अगर मान लो आपको प्रमोट कर दिया जाए तो आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपका प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये ज्यादातर जो मेडिकल लाइन है उसमें 4 साल का 3 साल के कोर्स होने के बाद 1 या 1.5 साल की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर भी आप मुझे सजेशंस दें। और अगर हम इवन इफ प्रमोशन वर टू बी कंसिडर्ड देन वुड द पास आउट बिकम एलिजिबल फॉर जॉब या प्राइवेट प्रैक्टिस, कल को अगर आपको प्रमोट भी कर दिया जाए तो क्या कल को जब आप अपनी यूनिवर्सिटी से अपने कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि आप जॉब या प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होंगे? ये कुछ एक सवाल जो मेरे पास एक्सपर्ट्स ने, जो इस लाइन के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मेरे पास दिए एनएसयू हरियाणा की तरफ से। ये मैं आप पर कोई थोप नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे एक बात कर रहा हूं कि ये चीजें मेरे सामने आई हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि अब इस वीडियो को खत्म करने के बाद मैं एक ईमेल आईडी जारी करूंगा, उस ईमेल आईडी पर आप सभी विद्यार्थी, आप सभी मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स उस पर अपनी अपनी इन पॉइंट्स के ऊपर कि आपको प्रमोशन कैसे करा जाए, आपके प्रमोशन के ग्राउंड्स क्या हों, अगर कल को आपको प्रमोट कर दिया जाए तो क्या आप जो है एलिजिबल होंगे जॉब या प्राइवेट प्रैक्टिस के, और इस तरीके की जो जो चीज़ें मैंने बात करी, मैं चाहता हूँ आप अपने अपने जो सुझाव हैं वो ईमेल आईडी पर मेल कर हमें दें। एनएसयू हरियाणा आप सभी के सुझावों को माननीय हरियाणा सरकार के सामने रखेगी, और मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्योंकि जो मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया है इनकी जो स्टेट यूनिट है वो
हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के सुझावों को एक हार्ड कॉपी को प्रिंट करवाकर उसके साथ NSU हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन लगवा के हम माननीय हरियाणा सरकार के सामने आपके सभी सुझाव रखें, ताकि आपके जो सुझाव हैं, हो सकता है आप में से कई विद्यार्थी ऐसे सुझाव दें जो सरकार ना सोच पाए। कोई भी ऐसा फैसला लेने से पहले आप सभी के सुझाव इसके अंदर अति आवश्यक हैं, इसलिए मैं आप सभी के सुझावों को कंपाइल करके जल्दी ही, मैं अभी इसके वीडियो खत्म होने के आधे घंटे तक सोशल मीडिया के माध्यम से एक ईमेल आईडी जारी करेंगे। उस ईमेल आईडी पे आप लोग अपने अपने सजेशंस दो, उन सजेशंस को हम कंपाइल करके हरियाणा सरकार के सामने रखेंगे और हरियाणा सरकार से NSU हरियाणा के बिहाफ पर और स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ हरियाणा के बिहाफ पर हम सरकार से ये दरखास्त करेंगे, हम हेल्थ मिनिस्टर से ये दरखास्त करेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर शुड राइट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, शुड राइट टू द गवर्निंग बॉडीज ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स कि वो इसके अंदर इन सुझावों को देखें कि हरियाणा के स्टूडेंट्स ने जो सुझाव आपके सामने रखे हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले आप सभी के सुझावों को मद्देनजर रखा जाए और उसके बाद कोई भी फैसला लिया जाए। दोस्तों, इसमें मैंने काफ़ी दिन रिसर्च करी, काफ़ी दिन मैं मेडिकल के एक्सपर्ट्स लोगों से मिला, पर मैं इसमें कोई भी अपनी पर्सनल राय देने से पहले मैं चाहता था कि आप लोगों का सुझाव इसके अंदर हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि कल को मेरा एक, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, क्या पता मेरे दिमाग में वो चीज़ ना आए जो आप में से कोई साथी, कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन हमें वो सुझाव दे। इसलिए हमने ये एक फॉर्मूला हमने संगठन के तौर पर ही अपनाया है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपने सुझाव इस ईमेल आईडी पर, जो मैं अभी आधे घंटे में जारी करूंगा, उस पर आप अपने अपने सुझाव देंगे। उसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि रीअपीयर स्टूडेंट्स के, दोस्तों जो रीअपीयर स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने जो गाइडलाइन जारी करी थी उसमें रीअपीयर स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करने की बात कही गई थी, पर अब मैं देख रहा हूं कि कई यूनिवर्सिटीज ने, कईयों ने तो उस नोटिफिकेशन के बाद एक यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन तो निकाल दिया, पर रीअपीयर और पास आउट स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से पास हो चुके हैं और जिन्होंने इस साल अपना एक रीअपीयर का या कोई पेंडिंग पेपर देकर जिन्होंने अपनी डिग्री पूरी करनी थी, तो उनके भी काफी जो है समस्या आ रही है। तो इन दोनों का जो मैं देखता हूं, जैसे हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बड़ा ही अजीब एक नोटिफिकेशन निकाला है कि एक जो रीअपीयर है किसी स्टूडेंट की फाइनल ईयर में, उसको हम पास करेंगे। तो ये कोई लाजमी नोटिफिकेशन नहीं है और ना ही हम इसको लीगली हम इसको ठीक ठहरा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए हूँ और जल्दी ही इस पर जो भी कार्रवाई बनती हुई फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और रीअपीयर के और पास आउट स्टूडेंट्स को लेकर जो भी इस पे कार्रवाई बनती हुई, मैं जल्दी ही उसको लेकर आपके बीच में आऊंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से आप मेरे साथ अपना सहयोग बनाए रखेंगे और इसी तरीके से NSU हरियाणा, जब भी हरियाणा के छात्रों को जरूरत पड़ेगी, तो इसी तरीके से आपकी आवाज़ के साथ NSU हरियाणा अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। आप सभी ने मेरे को इतना समय दिया, मेरी बात सुनी, अब मैं उम्मीद करूंगा कि जो हम ईमेल आईडी जारी करेंगे उस पर आप सभी साथी एक पॉजिटिव सोच के साथ उस पर अपने अपने सुझाव देंगे। सभी साथियों का फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय NSU।